हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेक डिजाइनर। आज हम देखते हैं कि एनेक्स में हमें कस्टम सिंबल कैसे हम बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाइए रीयूज लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पे पार्ट सिंबल पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू फोल्डर, इसको मैं नाम देता हूँ सिंबल्स। ओके, अब इसके अंदर और एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूं, इसको नाम देता हूं डॉय। ओके, तो ये मेरे दो फोल्डर क्रिएट हो गए। अब क्या करना है, अब आपको जाना है होम में और यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका डायमीटर 10। ओके, अब ऐसी दो लाइन खींच लीजिए, उसके बाद इसको क्विक एक्सटेंड और एक्स्ट्रा ट्रिम। ओके, फिल करना है बाउंड्री कर्व सॉलिड फिल और यहाँ पे ये चेक करना है। ओके, फिनिश स्केच। अब ड्राफ्टिंग टूल में जाइए, डिफाइन, यहाँ पे जो मैंने बनाया है फोल्डर डावेल, डावेल में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नाम देना है डॉइल। ओके, कंटेंट को सिलेक्ट करो, पॉइंट सेंटर पॉइंट, देन रीजन, यहाँ पे एरिया नहीं करना है, यहाँ पे रीजन करना है, डिफाइन रीजन और ये रीजन हमने डिफाइन कर दिया। जो रीजन आप डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे हमें प्रीव्यू में दिखेगा। ओके, और इसको फिर कर देते हैं अप्लाई। तो ये हो गया हमारा डावेल का सिंबल। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में कस्टम सिंबल लाइब्रेरी पार्ट सिंबल माय सिंबल्स डावेल्स, यहाँ पे तुम्हारा डावेल का सिंबल आ गया। इसको ड्रैग करिए, यहाँ पे स्केल 0.35 आया है, इसको 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद ये 10 mm का हमारा डावेल का सिंबल आया है, लेकिन मेरा ये जो होल है यहाँ पे ड्राइंग में ये 6 mm का है, इसलिए मैं इसे करता हूँ 0.6। ओके, और इसको यहाँ पे सेंटर से प्लेस करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे ये होल का सिंबल हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें कभी भी फ्यूचर में किसी भी फाइल में अगर लगेगा तो हम यहाँ से ये डावेल हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला सिंबल देखते हैं रफनेस का। उसके लिए होम में जाते हैं फिर से और यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स
तीन चाहिए, स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और रेडियस मुझे चाहिए मैं तो 1, ओके, और रोटेशन 90, ओके, इसको डिलीट करना है, पॉइंट को भी डिलीट करना है, ओके, और यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, स्पेसिफाई, इसको पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ओके, ये कैंसिल, फिर से कंट्रोल वी, दोनों आ गए, तो क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ओके, फिनिश द स्केच, नाउ अगेन ड्राफ्टिंग टूल्स डिफाइन, इससे पहले यहाँ पे एक फोल्डर फिर से क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे देता हूँ रफ, ये रफनेस का सिंबल है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म रफ दिया है। अब क्या करना है, डिफाइन और यहाँ पे रफ को सिलेक्ट करना है, इसको नाम देना है रफनेस का शॉर्ट फॉर्म रफ देता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ये पॉइंट दे रहा हूँ। इसके बाद सिलेक्ट द डिफाइन द रीजन, ये रीजन मैंने डिफाइन कर दिया, ओके, और अप्लाई, इसको करता हूँ कैंसिल और इसको डिलीट, ओके। अब मुझे यहाँ पे अपने सिंबल देना है तो मैं जाऊंगा इंसर्ट, यहाँ पे रफ, यहाँ पे मेरा सिंबल आ गया, और इसको डबल क्लिक करके या फिर क्लिक एंड ड्रैग करके भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसको मुझे रोटेट करना है तो सिंपली यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली करिए और यहाँ पे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद मुझे इधर भी चाहिए, इसके लिए मुझे 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा और प्लेस, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे ये चाहिए सिंबल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले प्लेस करूँगा इसको, उसके बाद इसको मैं रोटेट करूंगा, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।